नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Samsung Galaxy F12 versus Infinix Hot 11 का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो F12 में 6.46 इंच जबकि Hot 11 में 6.48 इंच की लेंथ मिलती है। विड्थ की बात करें तो F12 में 2.99 इंच जबकि Hot 11 में 3 इंच की विड्थ मिलती है, जो कि सेम जैसी ही है। बात करें थिकनेस की तो F12 में 0.38 इंच जबकि Hot 11 में 0.35 इंच की थिकनेस मिलती है। अब बात करते हैं वेट की तो F12 में 221 ग्राम्स जबकि Hot 11 में 201 ग्राम्स का वेट देखने को मिलता है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही IPS LCD की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो F12 में 20:9 जबकि Hot 11 में 20:5:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो F12 में 6.5 इंचेस जबकि Hot 11 में 6.6 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन F12 में 720x1600 और Hot 11 में 1080x2408 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो F12 में 81.95% जबकि Hot 11 में 83.8% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो F12 में 270 पिक्सेल प्रति इंच जबकि Hot 11 में 400 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो F12 में 4 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि वाइड एंगल प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। और Hot 11 की बात करें तो इसमें 2 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा और आखिर में डेप्थ लेंस देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो दोनों फोन में 7 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो दोनों फोन में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो F12 में Mali-G52MP1 जबकि Hot 11 में Mali-G52MC2 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो F12 में Samsung Exynos 8 nanometers Octa-850 और Hot 11 में MediaTek Helio-G70 मिलता है। बात करें RAM की तो F12 में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 4GB की RAM मिलती है जबकि Hot 11 में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 4GB रैम मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो F12 में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 64GB 128GB की स्टोरेज मिलती है जबकि Hot 11 में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 64GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी की बात करें तो F12 में अप टू 1TB जबकि Hot 11 में अप टू 256GB है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में एंड्रॉइड V11 देखने को मिलती है। बैटरी F12 में 6000 mAh जबकि Hot 11 में 5200 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो F12 में 3 कलर्स जबकि Hot 11 में 4 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो F12 में 2 वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जिसमें कि 4GB रैम 64GB स्टोरेज के साथ ₹8,999, 4GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ ₹12,499 में मिलता है। और बात करें Hot 11 की तो उसमें एक ही वेरिएंट मिलता है, जो कि 4GB रैम 64GB स्टोरेज के साथ ₹8,999 में मिलता है।
दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की। तो सैमसंग गैलेक्सी F12 में 4 फायदे और 1 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें इन्फिनिक्स हॉट 11 की तो उसमें 4 फायदे और 0 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है। मेन कैमरा में F12 आगे है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में दोनों फोन सेम ही है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें सैमसंग गैलेक्सी A12 है, दूसरा शाओमी रेडमी नोट 10 है, तीसरा सैमसंग गैलेक्सी F41 है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें शाओमी रेडमी 9 पावर है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।